सतना जिले में कोरोना कहर बरपा रहा है। जिले में 407 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, 6 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में लोग अब सावधानी बरत रहे हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। ऐसे में रामनगर के गजास गांव के रहने वाले लोग बेहद सतर्क हैं। जागरूकता की मिसाल बने इस गाँव में हर सड़क पर पहरा है। गाँव में किसी भी नए व्यक्ति को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना अंदर जाने की इजाजत नहीं है। गांव के भीतर जाने वाले हर रास्ते पर बैरियर लगाया गया है। आने जाने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। वहीं डुगडुगी से मुनादी भी करवाई जा रही है। लोगों को घर में रहने और मास्क लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हम सभी ग्रामवासियों ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर ये निर्णय लिया कि गंजास गांव में हमारे कोई संक्रमित व्यक्ति ना हो जाए, इसलिए ये निर्णय लेकर बैरिकेड लगाने का निर्णय लिया गया है। और ये सब लोगों के द्वारा ये कहा गया कि पूरे गांव में डुग्गी पिटवाकर सबको एक बार सूचित कर दिया जाए। इसके बाद जो कोई भी आएगा पहले कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट चेक पोस्ट पर दिखाएगा, इसके बाद ही उसको ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर प्रवेश किया जाने दिया जाएगा, अन्यथा यहीं से उनको वापस कर दिया जाता है। वही देवास में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती जारी है। इसी कड़ी में चेकिंग पॉइंट पर अपनी बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे राजा को नियम तोड़ना भारी पड़ गया। पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए दूल्हे को उठक बैठक लगवाई। देखिए तस्वीर। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जाए। निकलेगा बाहर निकलेगा। लॉकडाउन को लेकर सर ऐसा जरूरी काम था जो उनको बाहर निकलना आवश्यक पड़ा। चलिए उनकी रसीद काट दीजिए।